नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलीम शेख। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल हेलो मुंबई न्यूज डॉट कॉम। इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनार मेहता जी, जो कि एक कहा यह जा सकता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, गुजरात ही नहीं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी अपनी एक अलग पहचान है। अपने सोशल सर्विस, सामाजिक कामों को लेकर जाने जाती है अनार मेहता जी, जो कि इस समय मुंबई में है। मुंबई शहर में जो तीन दिवसीय वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बिजनेस मीट जो जारी है, वो अटेंड करने के लिए अनार मेहता जी आज ही अहमदाबाद से मुंबई आई है। आइए हम जानते हैं कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक बिजनेस मीट जो रखा गया है, इनको इनवाइट किया गया था उस फोरम में, कैसा रहा आज आपका दिन, किन किन लोगों से आपकी मुलाकातें हुई और क्या कहना चाहेंगे आज जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक बिजनेस मीट आयोजित किया गया मुंबई शहर में? नमस्कार अलीम। दोस्तों, मैं अनार मेहता, सृष्टि भारत एनजीओ से। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम स्वामी विज्ञानंद जी का इनिशिएटिव है और गुना मंगेशन, हु इज माई फ्रेंड, ही लुक्स आफ्टर द इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड माधवी भूता जी जो बीजेपी महिला मोर्चा महाराष्ट्र की हेड है, बोथ ऑल थ्री ऑफ देम इन्वाइटेड मी टू अटेंड दिस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। इट्स बेसिकली अमोंग द हिंदूज वी शुड प्रमोट द इकोनॉमी एंड वी शुड डू नेटवर्किंग, वी शुड डू लाइक मोटिवेट एंड इंस्पायर कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स, एंड टूगेदर दे इनिशिएटेड दैट इन थ्री डेज कॉन्फ्रेंस, दैट सब मिलजुल के बात करे, अपनी अपनी स्पीच दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेलवे सेक्टर भी इन्वॉल्व था। इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। इवन सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को गाइडेंस दिया। इट वॉज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी इंस्पिरेशनल स्पीच। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम लोग को सुनाया जब कुंभ हो रहा था यूपी में, हाउ सक्सेसफुल ही मेड कुंभ टू बी, व्हेन पीपल वेर लाइक इन डायलेमा दैट वुड इट बी अ नाइस, एंड हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी बहुत खुश थे उनके काम से। और योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि मेनली द वी शुड हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो हम लोग ने उनसे इंस्पिरेशन लिया। अगर आपकी बात की जाए तो आज आप जो बिजनेस मीट में आपने अटेंडेंस की, शिरकत की, तो आपने क्या सीखा, आपका अनुभव एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा अलीम। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ स्वामी विज्ञानंद जी स्पीच, योगी जी स्पीच, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो वेर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड नितिन गडकरी जी इज ऑल्सो गोइंग टू कम, एंड आईटी सेक्टर से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से और रेलवे सेक्टर से बहुत लोग आए हुए थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत आए हुए थे। उनकी स्पीच सुन के भी बहुत जानने को मिला कि हाउ दिस इकोनॉमी कैन इम्प्रूव फर्दर। एक समाज सेविका होने के साथ साथ आप एक अच्छे पावरफुल बिजनेस बैकग्राउंड से भी आती है, गुजरात से। आपके अपने आईटी सेक्टर, आपके फैमिली मेंबर जो है वो आईटी इंडस्ट्री में है, आईटी सेक्टर्स अपनी आपकी कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, तो लगता है कि इस तरह के जो बिजनेस मीट होते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस को एक बढ़ावा देते हैं, एक अवेयरनेस कंपेन जो होती है उसकी एक भूमिका निभाती है इस तरह के बिजनेस मीट? Yes, yes, of course, because in this business meets, the lots of networking is done, speakers are there, people tend to meet each other, exchange their ideas, exchange their views. People all over the world, they come all over the world, like from Dubai, from USA, from UK, from Africa, even from Mauritius, even from New Zealand. And today in World Hindu Economic Forum, even from Nepal people came. That's why Swami Vignananji was very happy that everybody could take part and share their views and inspire others. Being a lady, एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आप नमो टीम का भी एक हिस्सा हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपको इंटरेक्ट करने का एक मौका मिला है, तो लगता है कि महिलाओं को लेकर वीमेंस इंपावरमेंट को लेकर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी काफी सीरियस है, काफी गंभीर है? आई बिलोंग टू NRI फॉर नमो टीम। बेसिकली भारत मेरी कर्मभूमि है एंड जन्मभूमि मेरी यूएस है। आई एम बेसिकली यूएस सिटीजन। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड आलिम
that Mr. Narendra Modi, who is our PM, has done lots for women empowerment, that he has introduced Beti Bachao, Beti Padhao, he has introduced stand-up loans, he has initiated gas stoves where the pollution was there so much there that women used to spoil their health. Even he has introduced toilets and sanitary pads, machines in the interior of Gujarat, in the interior villages. He makes sure that girls are educated. He has introduced fast track court for the rape cases after the Nirbhaya case happened in Delhi, which is very inspiring. And for the human for the women's safety, he has done lots of things. And even for women, he always says that women are the pillars of the society. If women are empowered, then the family is empowered, and thus the nation is empowered, and then even the world is empowered. I always believe that we should empower women, thus the nation is empowered automatically. जी देखिए, बहुत अच्छी बात अनार मेहता जी ने कही है. हालांकि विदेश में जन्मी है, जैसे उन्होंने कहा कि यूएस उनकी जन्मभूमि है और भारत कर्मभूमि है, बावजूद इसके हम देख सकते हैं कि औरतों को और महिला को एम्पावरमेंट करने का जज्बा उनमें कितना है. उनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट तिवारी के साथ अलीम शेख, हेलो मुंबई न्यूज़ डॉट कॉम के लिए.